आप देख सकते हैं कि एटीएन लाइव की टीम पहुंच चुकी है अब मखदूम सराय जो मोड़ है वहां पे, और ये मखदूम सराय का ये इलाका है जो स्टेशन रोड जो जाने वाली सड़क है यहां से मखदूम सराय का इलाका शुरू होता है, और ये मखदूम सराय का इलाका है। और आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा तालाब बना हुआ है, किस तरह से महिलाएं जो हैं गाड़ियां जो हैं टेम्पू है वो कि आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं को कितनी परेशानी होती है, और ये देखिए कि जो स्कूटर सवार जो लोग हैं वो किस तरह से आते हैं, ये काफ़ी मुश्किलों भरा सामना है। और ये लगभग अगर नगर परिषद हर साल का ये नज़ारा है, हमेशा ऐसा होता है, लेकिन नगर परिषद की जो लापरवाही है वो अगर समय रहते नालियों का निर्माण, अब यहाँ भी देखिए ये भी नाली कब बना, ये भी नाली हमें लगता है कि एक सप्ताह या 10 दिन पहले बना है, अब इन्हें पूरा आपको बता दें कि पूरा सीजन चाहे वो जाड़ा हो गर्मी हो उसे उस समय कुछ याद नहीं आता है कि जो नाला बनाना है या नाले की सफाई करना है वो हम नाले की सफाई गर्मी में कर लें उस समय, अब ये नाला बनाने का काम इनका शुरू होता है बारिश में, अब ये क्या बनेगा किस तरीके से बन रहा है ये नज़ारा यहाँ का, और उसी का नतीजा है यहाँ के जो निवासी हैं। आप बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत नाला का है सर, नाला का बहुत ज्यादा दिक्कत है, देख रहे हैं सर पूरा पानी हमारे घर में डूब चुका है, छोटा सा मकान है उसमें सब रखा हुआ है सारा पानी से भीग चुका है। मखदूम सराय में तो बहुत सारे मकान हैं उस सब में पानी घुसा होगा जी सर, वहाँ तक जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ नाला जो इसका ये बना हुआ है वहाँ तक पानी जितना लोग का घर में सबके घर में डूब चुका है। क्या कारण है कि ये पानी नहीं निकल पा रहा है? सही नहीं बना है नाला, सही नहीं काम कर रहा है, पानी निकलने का किधर से निकासी नहीं है। और ये नाला कितने दिन पहले बना है? ये अभी तो 10-15 दिन पहले बना है नाला, ये 10-15 दिन पहले नाला ये बना है। इसके लिए ये आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? अब इसके लिए हम जिम्मेवार किसको हम कहेंगे सर, जिसको हम कहेंगे वही आकर हमको मारने लगेगा पीटने लगेगा, तो हम क्या जिम्मेवारी हम कहें सर? नाम बताइए अपना। मैनुद्दीन कहाँ, मखदूम सराय के? जी सर यही पर हमारा घर है, वो घर है। अभी मैनुद्दीन से बात हो रही थी, और जो सुशासन का जो नज़ारा है मैनुद्दीन के शब्दों में वो बड़ा तरीके से दिखाई दिया, जब हमने पूछा कि इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं तो मैनुद्दीन ने साफ शब्दों में कहा कि हम किसका नाम लें, जिसका भी नाम लेंगे वो लोग आकर के हमको मारने लगेंगे, ये है सुशासन, ये है यहाँ का विकास, और उसी का नतीजा है कि ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं जो पूरा मखदूम सराय तैरता हुआ नज़र आ रहा है, मजबूरी है लोगों को, ये सब्जी वाले बेचारे इनको देख लीजिए कि सब्जी वाले भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहक का, लेकिन ये जो तालाब में ऐसा लग रहा है कि ये तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे इन लोगों से कि ये क्या कहना चाहते हैं। आप जरा आगे आ जाओ बाबू, ये सब्जी के दुकानदार हैं, आप बताइए ये पानी जो लगता है ये तो हमेशा लगता है कि ये आज लगा? जी सर ये जब जब बारिश होता है तब तब, जब जब बारिश होता है तब तब लगता है, अब और तो ज़्यादा बारिश हुआ है आज, बारिश होने के कारण ज़्यादा पानी लगा हुआ है, फिर पास हो जाता है पानी धीरे धीरे, सब पास हो जाता है जी। ये नाला कब बना, ये जो नाला अभी मुख्य नाला दिखाई दे रहा है ये कब बना? नाला ये 10 दिन पहले ये सब बना है। आपको नहीं लगता कि ये नाला गर्मी में बनना चाहिए था, जाड़ा में बनना चाहिए था, अभी बरसात का जब मौसम हुआ तब ये नाला बन रहा है, इसमें बहुत सा सीमेंट होगा वो दह जाएगा बढ़िया से, वो सूख नहीं पाएगा? हम लोग इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं सर, ये तो वार्ड कमिश्नर जाने या नगर परिषद जाने, इसमें तो हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है। मोहम्मद रियाज अहमद है। मोहम्मद रियाज अहमद है, इनसे बात हुई, और मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी है, बेचारे सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, और नगर परिषद का आधिपत्य है, और एक और व्यक्ति जो ये पूरा झील पार करके आ रहा है, आप बताइए कितने परेशानी होती है आप लोगों? बहुत परेशानी है लेकिन क्या कर सकते हैं, नाला के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है,
जैसा कि आप देख रहे हैं इतने सारे पानी नाली पूरे भरे हुए हैं और नाला जब सही नहीं रहा। लेकिन सरकार तो कहती है कि विकास की गंगा बह रही है, ये कौन सी गंगा है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? अब एकाएक इतना बारिश आएगी तो परेशानी तो होगी। कितना देर बारिश बरसा? अभी तो दो घंटा भी नहीं बरसा है, तो ये आलम है। अगर रात भर बरसा तब क्या होगा? हाँ, इसके लिए तो है ये दिक्कत। नाली के प्रॉब्लम, नाले की परेशानी, बहुत परेशानी। ये नाले की परेशानी है और कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पुराना नाला है वो गलत है या वो नहीं। अगर उसे समय रहते साफ करवा दिया गया रहता तो आज ये आलम नहीं होता। यहाँ और लोग भी हैं, आप बताइए ये क्या समस्या है, ये क्यों नहीं पानी निकल पाता है? नाला पूरा वहाँ का जाम रहता है और पानी का निकासी कहीं से है नहीं है। और जो भी नाला जो बना है उसको बांध, नाले का पानी जो नदी में बहा के जाती थी वो नहीं जा रही है, जिसकी वजह से बारिश आती है, जिसके जाओ जमाव लग जाता है। जो एक समस्या ये, अगर यहाँ छोटा छोटा ये इस तरह का नाला बन जाए और वो निकलने के लिए निकासी पानी जो नदी में जाना चाहिए था वो ना बने, तो इससे इसको बनाने से क्या फ़ायदा है? इसको बनाने से सर कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ले इसका पानी का, नाले का पानी वो नदी में ना जाए, जब तक ले ये छोटे छोटे अगर बनवा भी जाए तो वो पानी निकलने वाला नहीं है। तो ये तो एक तरह से ये माना जाए कि ये बिल्कुल जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो बर्बाद किया जा रहा है और अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। ये जी ये सरकार जो है, तो सरकार ये इस पर ध्यान नहीं दे रही है और ये आम आदमी को परेशानी हो रही है। आने जाने में कितने आदमी वहाँ पे गिर चुका है, कितने का पैर टूट गया है और आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और छोटे छोटे नाले बनाकर दिखा रही है। मुमताज अहमद, मुमताज अहमद जी से बात हो रही थी और मुमताज ने साफ शब्दों में कहा कि ये जो छोटे छोटे नाले जो बन रहे हैं, छोटे छोटे जो पुलिया बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार में ये बना होगा, ये लाखों रुपए का खेल है। और अगर जब तक एक मास्टर प्लान के तहत आप यहाँ आ जाइए, मास्टर प्लान के तहत आप काम नहीं कीजिएगा तो ये पानी निकलने वाला नहीं है। आप बताइए ये परेशानी जो हो रही है लोगों को, इसके लिए आप किसको जिम्मेवारी? अगर समय से नाला साफ हो गया रहता तो आज ऐसी नौबत ऐसा ही नहीं आता। अभी 3-3 फीट गहरा नाला बनाया गया है, इसका कोई माने नहीं था। जो छोटा नाला पहले जैसा बनना था वैसा बनता, पानी निकासी होता, पूरा सफाई होता बढ़िया से, तो ये कभी नहीं होता था। अब देखिए उधर का नाला जो है ऊंचा बना हुआ है, ये नाला नीचा बना हुआ है, पानी जाएगा कहाँ से बाहर? सबसे बड़ा गलती ये है। और ठेकेदार से बोला गया कि ऐसा क्यों बना रहे हो जी? तो वो बोल रहा है कि हमको नगर अध्यक्ष बोले हैं ऐसे ही बनाने के लिए, हमको बनाना है ऐसे ही। बार बार उसे बोला जा रहा है कि आखिर गहरा बना। आप लोग अपने जो वार्ड पार्षद हैं या स्थानीय जो विधायक हैं या और बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई सिवान की आबादी इतनी बढ़ गई और आप एक मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाते हैं? एक बार में आप सारा नाला एक साथ बनाते हैं। एक बार इधर बन गया, इधर ऊंचा हो गया, फिर उधर नीचे हो गया, ये उधर ऊंचा भर जा रहा है, इधर नीचे हो जा रहा है, यही दिक्कत हो रहा है हमें। अच्छा, बरसात में इस तरह के जो रोड पे ये पुल बनाने का काम चल रहा है, नाला बनाने का काम चल रहा है, ये सही हो पाएगा? कहाँ से सही हो पाएगा? लॉकडाउन में ये पहले बन जाता, 3 महीना में पहले ही बन जाता ये। अभी इधर दो दो स्कूल है, महावीर स्कूल है यहाँ जी, मदरसा है गौसलवरा, यहाँ पे सब बच्चे आते हैं, यहाँ तक पानी रहता है, उसमें डूब जाते हैं बच्चे, तो नाली के पानी होकर के जाते हैं हमेशा, एनी टाइम ही रहता है हमेशा ऐसा। जब बारिश होगा थोड़ा सा भी यहाँ पानी लग जाता है हमेशा, कोई काम नहीं हो पाता है, हम लोग का काम कुछ नहीं हो पाता है। तो सही बात बता दिया। नाम मोहम्मद आमिर, नाम है मोहम्मद आमिर, आमिर मोहम्मद आमिर, जो इसी मखदूम सराय के रहने वाले हैं, एकदम चौराहे पे इनकी दुकान है। और जो बात उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल गैर जिम्मेवारी की तरह काम हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको, आप सही में विकास चाहते हैं, आप सही में कुछ करना चाहते हैं, तो सारे सिवान के जो 38 पार्षद हैं वो एक साथ बैठते, एक मास्टर प्लान बनाते कि किस तरह से सिवान का जो ये नाली का जो पानी है, वो जाम की समस्या है, वो किस तरह से इसे निजात पाया जाए, तो आज ये नौबत नहीं होती। आप देखिए कि चाहे वो पूजा करने वाले लोग हों, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, ये टोटल नाली का पानी है, ये बरसात का तो पानी है ही, ये नाली का पानी है और ये टोटल नाली का पानी हो करके ही लोगों को, लोग यहाँ से निकलते हैं। बहुत सारे लोग घरों में, हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो नज़ारा दिखाई दे रहा है
वो ये बता रहा है कि बहुत सारे घरों में, मखदूमसराय के बहुत सारे घरों में पानी घुसा हुआ है। हम इसी तरह से सुबह 7 बजे से बारिश हुई है और हम शहर के हर उस हिस्से में ले जाना चाहते हैं, हर उस हिस्से को जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि डीएम साहब आप देख लीजिए कि सिवान शहर की जो विकास की जो धारा बह रही है वो धारा कैसी है। सारे नाली का पानी सड़क पे बह रहा है। जरूरत है एक अच्छे तरीका से सबको साथ मिल करके काम करने की, एक मास्टर प्लान बनाने की, और वो मास्टर प्लान के तहत अगर नाला बनता है, पुलिया बनता है, तो यहाँ 1 इंच पानी नहीं लगेगा। ये सबको सोचना होगा और हम उसी उद्देश्य के साथ शहर के हर हिस्से में जा करके जिला प्रशासन को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख लीजिए शहर के कौन कौन सा हिस्सा आज तालाब बना हुआ है।